हाँ मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो में लेट हूँ डालने में, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पर हमें लियोन के बड़े भाई को दिखाया गया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चोर था, या फिर कहूँ एक बहुत बेहतरीन तरीके का एडवेंचरर था, जहाँ पे उसने काफ़ी सारी कुछ चीज़ें इकट्ठा कर ली थी इस एडवेंचर के बीच में। एंड इसे एक स्वॉर्ड भी था एंड वो काफ़ी बड़ा जीनियस था एंड वो हर एक मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसानी से कर लेता था। एंड इन सब चीज़ों के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है एंड ये सब चीज़ें वो अपने सपने में देख रहा होता है। फिलहाल अब वो बंधा हुआ है एंड यहाँ पर एक गार्ड आता है जो कि उसे कहता है कि अब तुम सब कुछ सच सच बताना चालू करो वरना मैं ये स्वॉर्ड तुम्हारे छाती के अंदर घुसा दूंगा। और कुछ होता भी ऐसा ही है, वो उस छाती के अंदर उसे अपने स्वॉर्ड को घुसाने देता है और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज़्यादा खतरे में हो और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जिसके बाद उसका रियल ट्रेजर आता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है एंड इस स्वॉर्ड को हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। एंड ये स्वॉर्ड हमें देखने को मिलती है निक के हाथों में जो कि एक एंजल की होती है, तो ये उसका डेविल वर्जन है टाइप का समझ लो। यहाँ पे गैम्बलिंग लेसन करके एक नई स्टोरी चल रही है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी टियाना है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेम को खेल रही होती है। यानी कि यहाँ पर जो वो कार्ड प्ले कर रही होती है जिसमें वो हर बार जीती जा रही होती है, यहाँ पे वो काफ़ी लोग के शक्ल को देखती है जहाँ पे कुछ लोग तो उसके साथ ब्लफ कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग इस गेम को रियली खेल रहे होते हैं एंड जीतने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। अब इस पर एक एंटी मैजिक किया हुआ है तो कोई चीटिंग करके भी चाहे तो नहीं कर सकता। वहीं पर ये लड़कियों के पास किनुजा जाता है एंड वो कहता है कि मुझे भी जाना है इस जगह पर। एंड यहाँ पर ये दोनों एक फ्लैशबैक के साथ दिखाया गया है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी टियाना से कि हमें भी वहाँ पर ले चलो, जिस पर टियाना कहती है कि मैं तुम्हें ले तो चलूंगी लेकिन तुम मुझसे अलग हो जाओगे उस पार्टी के अंदर, अगर ऐसा प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें लेकर चलूँ, जिस पर ये दोनों मान जाते हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा खिजुना होता है वो जाता है एंड वो कहता है कि इस लंबी लाइन में मैं काफ़ी लंबे समय से लगा था। एंड इस पर वो कहता है निक कि तुम्हें गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो कार्ड प्ले कर सकता है खिजुना, लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि इस कार्ड में मैजिक किया हुआ है, एंटी मैजिक। तभी हमें एक काफ़ी बड़े बिल्ली को दिखाया गया है एंड ये कोई और नहीं लियोन ही है जिसका रूप चेंज हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे टियाना हर बार जीत रही होती है जिस पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने चीटिंग करी है, जिस पर टियाना बताती है कि उसने कोई भी चीटिंग नहीं करी है। इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैंने वैसे भी मैं सारे पैसे हार चुका हूँ तो मुझे एक और मैच खेलना है जो भी पैसा मेरे पास बचा है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो एक बार फिर से खेलता है और वो जीत जाती है टियाना, जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ट्रिक किया है। एंड इसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, ये वो बताते हुए कि तुम्हारा पहले से ही प्लान है, तुम एक मैजिशियन हो शायद इसीलिए तुमने चीटिंग करी होगी। जिस पर वहाँ का जो बंदा होता है, जो सर्वर होता है, वो बताता है कि एक्चुअली में इस पर एंटी मैजिक किया हुआ है एंड ये बात लोगों को नहीं पता थी। फिलहाल यहाँ पर वो सभी लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड तभी अटैक होता है एंड इस अटैक को देखते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जो कि निक और इस बड़ी बिल्ली लियोन के बीच में हुआ था, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेट करता एंड जेलस फील करता हूँ एंड ये सारी चीज़ें वो बोलता है एंड इसकी वजह से ही हमें देखने को मिलता है कि वो निक को ढूंढने के लिए आया हुआ है। एंड हमें बड़ी बिल्ली या फिर लियोन को दिखाया गया है जो कि उस जगह पर उस स्वॉर्ड को दिखाते हुए कर दिखाया जाता है जहाँ पे उसने उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया था और अब उस स्वॉर्ड की वजह से, जिस पर वो कहता है कि लगता है किसी ने पैंट के अंदर ही पेशाब कर दिया है एंड ये वो सब गार्ड्स होते हैं जिन्होंने पैंट के अंदर ही पेशाब किया होता है। ये एक तरह का फ्लैशबैक है जहाँ पर हमें लियोन को दिखाया गया है कि उसने जब स्वॉर्ड को पकड़ा था तो वो किस तरीके के मॉन्स्टर में चेंज हो गया था, जिसे वो सिर्फ निक को मारना चाहता था। और अब प्रेजेंट टाइम में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो सभी गार्ड्स जो कि इसे रोकने के लिए आए होते हैं वो काफ़ी खतरे में है। टियाना को दिखाया गया है जो कि कहती है कि मैं अपना वेपन भी नहीं लाई हूँ वरना मैं इस बंदे को अभी यहीं पर सबक सिखा देती। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो बंदा है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो निक को ढूंढ रहा होता है। टियाना समझ नहीं पाती कि ये बंदा है कौन, लेकिन काफ़ी देर बात करने के बाद समझ में आता है कि ये बंदा कोई और नहीं लियोन है जो कि हमारे निक के साथ फाइट करने के लिए आया हुआ है। एंड यहाँ पर उसकी लाइफ से ज़्यादा कुछ भी उसके लिए वैल्यू नहीं करता। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि तुम शायद झूठ नहीं बोल रहे हो, निक यहाँ पर नहीं ही होगा। जिस पर वो स्वॉर्ड उसे कहती है कि तुम्हें और पावर देना चाहूँ तो ले सकती हो। तभी वहाँ पर निक की एंट्री होती है जो कि वहाँ पर फाइट करने के लिए आया होता है। इस पर वो कहते हैं, दोनों स्वॉर्ड्स मतलब आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि दोनों ही स्वॉर्ड्स एंजल्स के दिए गए हैं तो ये वेपन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो स्वॉर्ड निक आई मीन लियोन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है, जिसकी वजह से वो उसका साइज और भी बड़ा हो जाता है। यानी कि बड़े साइज के साथ ही बड़ी पावर्स भी आ रही हैं उसको,
इसके बाद यहाँ पर ये दोनों भी तैयार कर लेते हैं खुद को और ओके बोलते हुए वो खुद को एक करने के लिए एवोल्यूशन ऑफ स्वॉर्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अपने ही शरीर को एक में मर्ज कर देते हैं, जिसे सभी लोग देखकर काफी शॉक में होते हैं। वो कहते हैं कि ये है क्या आखिर में। और यहाँ पे मैं आइस एज को दिखाया गया जो कि एक मैजिक स्पेल है एंड इसे मैजिक कास्ट करने के दौरान ही उसमें वो बड़ी बिल्ली फंस जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे निकालने की काफ़ी तक कोशिश करती है एंड फाइनली निकल भी जाती है क्योंकि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे वो निक से हटकर सब के आसपास की चीज़ों को तोड़ने लगता है और अपने ही अंदर की इनोसेंट बच्चे को मरने नहीं देता। एक्चुअली में लियोन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, लियोन हमेशा से ही सिर्फ फाइट करना चाहता था एक ट्रू, और वो कभी भी बुरा नहीं था। एंड यहाँ पर वो कहता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। एक्चुअली में ये सब चीज़ें वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है एंड वो स्वॉर्ड के साथ एक फाइट कर रहा होता है, माइंड फाइट। एंड इस माइंड फाइट के बीच में ही हमारी जो ये निक एंड टियाना के जो मर्जर है वो मिलकर इस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसके चेस्ट पर काफ़ी धोर धारदार तरीके के आइस ब्लेड्स घुस जाते हैं, लेकिन इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एंड वो अब बहुत ज़्यादा दर्द में कराने लगता है, जिस पर वो बताता है कि उसने ये जब सब चीज़ें की हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो अपने भाई को या फिर अपने बड़े भाई को याद करता है, जिस पर वो कहता है कि मैं हमेशा से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मैं अपने बड़े भाई को हमेशा से एडमायर करता था जो कि एक काफ़ी बेहतरीन तरीके के एडवेंचर थे। एंड यहाँ पर वो कहता है कि रुक जाओ, स्टॉप इट, ऐसा बोलता ही है कि तभी उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए फिर कह रहा हो कि कोई मुझे बचा लो, ऐसा बोलता है निक एंटियाना से, जिस पर निक एंटियाना बहुत बेहतरीन तरीके का दिमाग लगाती है एंड वो एंटी मैजिक वाला जो यहाँ पर कार्ड्स होते हैं ना वो उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो एंटी मैजिक कार्ड की वजह से वो स्वॉर्ड उसके हाथों से अलग हो जाती है। एंड ये चीज़ हमारे टियाना को पहले से ही पता थी। एंड अब वापस से जो लियोन होता है वो वापस से शांत हो जाता है एंड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जिस पर वो कहता है भले ही मैं स्मॉल टाइम के लिए विलन था लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हालांकि ये सब कुछ गलती उस स्टूपिड गर्ल की, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो शायद आज भी वो बाहर होता। इसके बाद हमें दिखाया गया है निक को जो कि उससे मिलने के लिए आता है एंड वो बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, या फिर कहूँ अच्छा बड़ी बिल्ली। खैर यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो जो वुमेन है वो उसके साथी है एंड वो बताता है कि तुम दोनों एक हो गए थे शायद, है ना। इस पर वो बताता है हाँ हम दोनों एक हो गए थे, इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे तुमको देखकर अलग सा फील हो रहा था उस फाइट के दौरान, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं निक से फाइट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं दो लोगों से फाइट कर रहा हूँ। एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जो मेरे न्यू चैनल था प्लीज जाके उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।